टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ऊषा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। खेलों को सरकार प्राथमिकता दे रही है, लेकिन मेरठ में हकीकत कुछ और ही बयां करने वाली है। 22 से 28 अगस्त के बीच इंडोनेशिया में होने वाली पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए मेरठ के दीपक जावला को भी जाना है, लेकिन तमाम अभावों के साथ। दीपक का कहना है कि मेरठ में कोच के अभाव के साथ ही स्टेडियम में भी खेलने का उन्हें पूरा मौका नहीं मिल पाता। एक समय ऐसा है जब शौकिया लोगों का कोर्ट पर कब्जा रहता है, अगर वह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेडल कैसे जीत कर देश का नाम रोशन करेंगे। इस दौरान यह भी निकल करके आया, जब यह खिलाड़ी खेलता है तो लाइट बंद तक कर दी जाती है। दीपक जावला नामक यह बैडमिंटन खिलाड़ी डिसेबल है। आइए सुनते हैं दीपक जावला की कहानी उन्हीं के जुबानी। मतलब दीपक ही नाम है। किस बच्चे को लेकर? समस्या यह है भैया कि है ना, हमारी जो मेरठ में एकमात्र अकेली सरकारी स्टेडियम है, कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम, अब इस स्टेडियम में है ना जो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो शौकिया खिलाड़ियों का समय रहता है, वो 3 कोर्ट है हमारी अकेडमी के अंदर, यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम है, बैडमिंटन कोर्ट, और तीनों कोर्ट पे ही शौकिया खिलाड़ी है ना जम जाते हैं, वो प्लेयर्स को खेलने ही नहीं देते। अब 9 बजे के बाद में जो आरएसएस सर का आदेश है कि अकेडमी कोर्ट को, बैडमिंटन कोर्ट को बंद कर दिया जाए, तो प्लेयर्स को टाइम ही नहीं मिल पा रहा किसी को कि वो अपनी प्रैक्टिस कर ले। मैं सर इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, 17 अगस्त को मुझे इंडोनेशिया खेलने जाना है। अब है ना 10 दिन रह गए और इस टाइम पर मुझे तीनों टाइम ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब ट्रेनिंग ना कर के मैं है ना वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले वो निकाल देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ऐसे कैसे ट्रेनिंग होगी? स्टेडियम में कोई कोच नहीं है गवर्नमेंट का, अभी हमारी मेरठ स्टेडियम में बैडमिंटन के लिए कोई कोच अवेलेबल नहीं है। हाँ, अरे साहब को की थी मैंने कि है ना सर ये आप जो सिक्योरिटी का है वाले हैं भैया, ये है ना बंद कर रहे हैं, खेलने नहीं दे रहे हैं। बहुत देर तक उनसे फिर उन्होंने कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया और है ना फिर वो इनके मीटिंग में कह के कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ, उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा, मैंने कहा सर हमें कोई रिजर्व टाइम दे दीजिए। वो सब जानते हैं मुझे सर, क्योंकि मेरा डीएम साहब ने एक लेटर अभी रिसेंटली आरएसएस साहब को भेजा था कि अगर कोई निधि हमारे पास स्पोर्ट्स कोटे में अवेलेबल है तो ये खिलाड़ी हमारा मेरठ के लिए बाहर जाने वाला है, इसको थोड़ा फंड की हेल्प कर दी जाए। तो उसमें भी है ना, इसीलिए उन्होंने मुझे आरएसएस साहब ने एक बार पहले बुलाया था कि बेटा हमारे पास कोई ऐसा फंड अवेलेबल नहीं है जिसमें हम तुम्हारी कोई हेल्प कर सकें। तो अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, लेकिन खर्चा मुझे सारा अपना ही जेब से करना है, मेरे फादर नहीं है और है ना मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, 1.5-2 लाख रुपये लगेंगे वहाँ जाने के, तो सारा मुझे अपनी जेब से देना है। वो तो मुझे ही पता है मैं कैसे कैसे है ना, कुछ सोशल वर्कर्स है किसी ने 5,000 किसी 10,000 करके मेरी हेल्प करके मेरे टिकट बुक किए हैं, मेरा होटल का रहने का किया है, अब खाने का भी है ना, कुछ लोग मैं कह रहे हैं कि चलो हम देखते हैं कहीं ना कहीं से तुम्हारी हेल्प कराएंगे। इस तरह से मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ भीख मांग मांग के। देश के प्रधानमंत्री और सरकार, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी लगातार खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ा रहे हैं, उससे क्या लगता है? देखिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से जो है ना सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वो है ना ग्राउंड लेवल तक प्लेयर्स को अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, वो बीच में है ना प्रशासनिक लेवल पर कहाँ अटके हुए हैं ये फैसिलिटीज, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लेयर्स तक है ना टाइमली पहुँचा पाए। मिलती हैं अगर है ना कोई हमारे लिए कोई नियम या कानून बनता है और वो चीज़ें हमें टाइम पे अवेलेबल ना हो पाए तो वो भी यूजलेस है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।